मौजूद है ग्राम परकीभार, जहाँ पर सैनिक सम्मान समारोह यहाँ पर ग्रामवासी परकीभार द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर सम्मानित पाए हुए हमारे देश के जो सैनिक जो सरहद पर अपनी जान पर निछावर होकर हमारे देश की सेवा करते हैं, और आज ग्राम परकीभार में इनका सम्मान किया गया। तो हम सम्मान पाए हुए सैनिक से जानना चाहेंगे किस प्रकार से यह माहौल और कैसा लगा उनको यह सम्मान पाकर। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में मौसम में आपका नाम और पद? मेरा नाम यशन कुमार है, मैं बीएसएफ में पदस्थ हूँ, अभी त्रिपुरा में मेरी पोस्टिंग है अभी। जी, तो आज का जो ग्राम परकीभार का सम्मान समारोह कर रखा गया, जो सैनिक सम्मान समारोह, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सैनिक सम्मान समारोह बहुत अच्छे से किया, यहाँ बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम है, लेकिन लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा व्यवस्था रहा यहाँ पर। और हमको भी गौरव महसूस हुआ क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट रहते हैं और घर से दूर रहते हैं, तो इधर आके जब जैसे सम्मान मिलता है तो बहुत बढ़िया लगा। जी, इस तरह का आयोजन हमारे जो बालोद जिला ग्राम पावन धाम ग्राम परकीभार में हुआ है, उनके जो यहाँ के आयोजक समिति युवा के लिए आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए यही कहना है कि जैसे अभी हम लोग उस टाइम पे जब स्ट्रगल कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो हमको देख कर लोग प्रेरणा दे सकते हैं कि जिसको फौज में जाना, डिफेंस में ड्रेस चल रही है, तो आगे और मोटिवेट हो उनको देखते हैं कि कल के हमारी भी सम्मान हो, इसलिए हम भी आगे जाए। आर्मी में जाने के लिए किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है, उस तरह की तैयारी किस प्रकार से होती है, दो शब्द हमें बताने का प्रयास करेंगे। तैयारी का वही तो नॉर्मल है, डेली का अपना रनिंग शेड्यूल रखो और राइटिंग सही से रखो, पढ़ाई मेन है, पढ़ाई अगर अच्छे से रहेगा, बेस्ट कम्प्लीट रहे तो आगे क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं, और मेडिकल भी आज तो सभी हो जाते हैं, सब देख देख के हो ही जाते हैं। धन्यवाद सर। जो ये थे सैनिक जो ग्राम परकीभार पर अभी सम्मान पाए हुए हैं, इनका कहना है कि यह बहुत अतुलनीय कार्य है, जिस प्रकार से यहाँ पर सैनिक के लिए सम्मान कार्यक्रम किया गया है, इनको यह सीख मिलती है कि किस प्रकार से हमारे जवान जो देश पर निछावर रहते हैं, तो इनसे एक युवा पीढ़ी को संदेश जाएगा कि एक देश का सैनिक है उनका सम्मान किस तरह अतुलनीय सराहनीय कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार से एक देश की जो नौजवान है वो हर नौजवान में एक सैनिक बनने की प्रेरणा जागृत होगी। तो बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज चंडीगढ़ और जिला संवाददाता हेम शंकर सोनी के साथ। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज चंडीगढ़, मैं हेम शंकर सोनी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम देख रहे हैं बालोद पुलिस की बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है, जिस प्रकार से मादक पदार्थ गांजा तस्करों और गांजा बेचने वालों को लगातार बालोद पुलिस पकड़ रही है और उचित कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को बालोद पुलिस ने बालोद निवासी अरमान खान उर्फ राजा पठान को एक झोला गांजा के साथ पकड़ा गया, जो गांजा बेचने के लिए निकले थे, और मुखबिर की जानकारी के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची और राजा पठान को गिरफ्तार किया। उस वक्त राजा पठान के पास लगभग नकदी 10,000 रुपए और लगभग 500 ग्राम गांजा अरमान खान उर्फ राजा पठान के पास से बरामद किया गया और उनको हिरासत में लिया गया। इस बड़ी कार्रवाई में बालोद पुलिस अधीक्षक एस आर भगत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी एवं साथ में थाना प्रभारी इस बड़ी कामयाबी में साथ रहे, और बालोद पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए गांजा बेचने वाले बालोद निवासी जो अरमान खान और उर्फ राजा पठान को गिरफ्तार किया है। इसी तरह बालोद पुलिस लगातार मादक पदार्थ गांजा तस्करों और गांजा बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। तो बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज 24 जिला संवाददाता हेम शंकर सोनी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज 24, मैं हेम शंकर सोनी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम जिला बालोद पुलिस की बड़ी कामयाबी बताते हैं, जिस प्रकार से अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्कर पर बालोद पुलिस लगातार तंकी कर रही है। बालोद जिला के थाना डोंडी लोहारा में अवैध बिक्री करते हुए आरोपी गिरफ्तार। डोंडी लोहारा थाने में धारा क्रमांक 153/2024 के अनुसार आबकारी एक्ट धारा 30(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बालोद पुलिस अधीक्षक एस आर भगत के महानिर्देशन में बालोद जिले के सभी पुलिस थाना चौकी को निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार से अवैध मादक पदार्थ गांजा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाकर उचित कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया जाए। बालोद पुलिस उप अधीक्षक अशोक कुमार जोशी एवं बालोद पुलिस
शिक्षक मुख्यालय दीवान सिंह राठौर के मार्गदर्शन में डोंगरी लोहारा थाना प्रभारी वीणा यादव के मार्गदर्शन में लगातार अवैध बिक्री एवं अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। दिनांक 20/10/2024 को ग्राम पॉपुलर टोला के आनंद कमेटी के घर गोटा टोला के रहने वाला है, जो उसके दमान परमेश्वर के पास से अधिक मात्रा में कच्ची महुआ दारू बरामद किया गया। लगभग उनके पास से 30 लीटर महुआ दारू एवं नकदी 6,800 रुपए जब्त किया गया और अबकारी एक्ट के तहत धारा 30(2) के तहत परमेश्वर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। यह जानकारी हमें बालोद पुलिस विभाग से हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से बालोद पुलिस लगातार मादक पदार्थ गांजा तस्कर एवं अवैध शराब बिक्री पर उचित कार्रवाई करके अपराध दर्ज कर रही है और इसके पीछे जो लोग हैं उसको पुलिस की हिरासत में लेकर जन की भागीदारी बना रही है। बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ 24 जिला संवाददाता।